खरगोन के खाद्य विभाग अमले ने तोल कांटे पर दबिश देकर लाखों रुपए मूल्य के सैकड़ों क्विंटल पीडीएस चावल की हेराफेरी करते बदमाशों को पकड़ा, जिसमें अमले ने पुलिस की मदद लेकर ट्रक सहित लोड किया चावल जब्त करके कोतवाली भेजा। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिसमें गरीबों में बांटे जाने वाले चावल को ट्रक में भरकर अवैध परिवहन किया जा रहा था। इस दौरान खाद्य विभाग ने मौके से वाहन को जब्त करके 32 टन चावल पकड़ा और कार्यवाही के लिए पुलिस को सौंपा। फिलहाल ट्रक मालिक और चावल की कालाबाजारी करने वाले व्यापारी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी टोल कांटे पर चावल का एक अवैध परिवहन करता हुआ ट्रक है। वहाँ से हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई तो हमारे यहाँ से हमारे सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री भारत सिंह जमरे और हमारे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री आकिब खान मौके पर पहुँचे और आशंका के आधार पर उस ट्रक को जब्ती में लिया, जिसमें लगभग 32 टन चावल था और जो उसका ड्राइवर था उदिया, एक हेल्पर है नीलेश, उन दोनों को और जो चावल का मालिक है दुर्गेश गोयल, इसके अलावा ट्रांसपोर्टर है आरिफ खान, इन चारों पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है और इस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए ये प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद जो भी कार्यवाही होगी वो कलेक्टर महोदय द्वारा ही उसमें निर्णय लिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।